द्वारा गांधी पार्क पर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत थाना गांधी पार्क पुलिस द्वारा हाईवे अली नगर के निकट पुलिस टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग के दौरान ई रिक्शा व एक मोटरसाइकिल अली नगर गाँव की तरफ से अली नगर कट की तरफ जा रही थी। अचानक पुलिस टीम को देखकर यहाँ लोग वापस गांव की तरफ जाने लगे। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस टीम ने मौके से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। चारों अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 150 किलो अवैध नशीला गांजा बरामद किया है। पकड़े गए माल की कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल अलीगढ़ पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना गांधी पार्क पुलिस ने देर रात अली नगर के निकट चेकिंग के दौरान चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए गांजा की कीमत मार्केट में लगभग 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इन कब्जे से एक ई रिक्शा व एक मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया है कि देर रात गांधी पार्क पुलिस ने चेकिंग के दौरान चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 150 किलो नशीला गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। यह लोग ट्रक, ट्रेन और अन्य वाहनों के जरिए नशीले गांजा को उड़ीसा से अलीगढ़ लेकर आते थे और यहां ई रिक्शा मोटरसाइकिल के जरिए विभिन्न जगह सप्लाई करते थे। पकड़े गए गांजे तस्करों के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जानकारी की जा रही है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थाना गांधी पार्क द्वारा कल जो नशीले और नशे के कारोबार करने के विरुद्ध अभियान में चेकिंग कराई जा रही थी, जिसमें अली नगर कट के पास एक जो ई रिक्शा में कुछ लोग मादक पदार्थ जो कि गंजा लेके जा रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जो गिरफ्तार लोग हैं उनके नाम है सोनू पुत्र कुंवरपाल, अजीत उर्फ राजू पुत्र राजेंद्र, अतुल भारद्वाज उर्फ बंटी शराबी पुत्र सूरजपाल, सागर गुप्ता पुत्र किशन गुप्ता। इनके साथ जो ये अपने गांजा लेके जा रहे थे उसकी जो क्वांटिटी है 150 किलो 500 ग्राम क्वांटिटी थी, जिसकी बाजार में जो कीमत है लगभग 15 से 20 लाख रुपए के आसपास होगी। इसके अतिरिक्त जो ई रिक्शा जिसमें ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और एक मोटरसाइकिल जिसपे ये सवार थे, ये भी इसमें पुलिस द्वारा बरामद की गई है। ये जितने भी चार अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पूर्व में भी NDPS एक्ट के मुकदमे जनपद में हैं पूर्व के। और इस गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने जो थाना गांधी पार्क पुलिस ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है, और जो जनपद में नशीले पदार्थ और गांजा और इस तरीके के चीजों के खिलाफ जो अभियान चला हुआ है उसने बहुत ही सराहनीय कंट्रीब्यूशन किया है। और इस प्रकार की मुहिम अभी जनपद में जारी रहेगी और जो भी नशीले पदार्थ का कारोबार या जो किया जा रहा है उसका उस पर पुख्ता कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की क्रियाकलापों का रोकथाम किया जाएगा।